नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। पहले कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों के लिए अपडेट मिल जाएंगे। हम 2-in-1 केक बनाएंगे और स्ट्रॉबेरी और बटरस्कॉच फ्लेवर में। ये 1 पाउंड का मतलब 400 450 ग्राम का केक बनाएंगे हम। जो स्पंज हमने काट लिया है और ये देखिए इस तरीके से 250 ग्राम क्रीम लगती है 1 पाउंड का केक बनाने के लिए। और इस तरीके से इसका हम ऊपर के से ये हटा देंगे, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से ये हटा देंगे स्पंज का। और 3 पीस करेंगे और दे देखिए इस तरीके से 3 पीस कर लेंगे इसके हम स्पंज के। और जो स्पंज की आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा, जाकर चेक कर लीजिए। एकलेस स्पंज हमने बनाया हुआ है उसकी आप लोगों लिंक मिल जाएगी, जाकर चेक कर लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया है। और आप लोगों लिंक दे दूंगा, जाकर चेक कर लीजिए। इस तरीके से हमें 3 पीस काटना है ये देखिए। और तीनों पीस का सेम प्रोसीजर रहेगा, जो हम नीचे के में लगाएंगे वही दोनों उस लहर में लगाएंगे। तो तीनों को सेम प्रोसीजर आने का। और ये हमने शक्कर ली, इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, 200-250 ग्राम पानी। थोड़ा सा इसमें हम एसेंस डाल देंगे, जो उस फ्लेवर का आप चाहे थे उस फ्लेवर का डाल सकते हैं। और हमने डाला बटर स्कॉच फ्लेवर का एसेंस डाला है, और आप जिस फ्लेवर का चाहे थे उस फ्लेवर का डाल दीजिए या वनीला डाल दीजिए। और इस तरीके से घोल लेंगे और केक के ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो हमारा सॉफ्ट बनता है केक, शक्कर और उसको मिला के। तो इस तरीके से क्रीम लगा दें, 3 लहर में लगाना है इसको क्रीम को। और हम जो केक बना रहे हैं 2-in-1 बटर स्कॉच एंड स्ट्रॉबेरी, एक केक में 2 फ्लेवर। स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे 20 से 25 ग्राम। आप इसमें फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी चॉप करके डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। और बटर स्कॉच क्रश, और इसमें बटर स्कॉच के चंक भी आप लोग डाल सकते हैं। ये हम दूसरी लहर लगाएंगे, फिर हम वापिस इस पर पानी लगाएंगे और क्रीम, ये देखिए चंक भी डाल सकते हैं आप उसके ऊपर जो बटर स्कॉच वाला लगाया है। दोनों पे अलग अलग डालना है, स्ट्रॉबेरी वाले पे स्ट्रॉबेरी और उसके पे। और ये इस तरीके से हमारा केक रेडी हो जाएगा। ये देखिए 3 लहर में। और आप लोग वो स्पंज की जो हमने बनाया उसकी लिंक दे देंगे, जाके चेक कर लीजिएगा। एकलेस स्पंज ये देखिए, वापस हम इस पे क्रीम और पानी, वो सेम प्रोसीजर है 3 लहर का जो हमने नीचे आप लोगों को दिखाया। ये हमने क्रीम लगाई तरीके से, इसको हम देखिए घुमा लेंगे देखिए। और हमारा जो केक है इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे क्रीम। और इसमें 250 ग्राम क्रीम लगेगी हमें, एक केक बनाने के लिए फिटी हुई 250 ग्राम क्रीम। तरीके से इसको हम देखिए घुमा लेंगे देखिए। और हमारा जो केक है इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे क्रीम। और इसमें 250 ग्राम क्रीम लगेगी हमें, एक केक बनाने के लिए फिटी हुई 250 ग्राम क्रीम। व्हिप क्रीम जो आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी, रिच गोल्ड की या जो भी आपको मिलती है उस कंपनी के आप ले लीजिए, जिस कंपनी के आपको लिए व्हिप क्रीम मिल जाती है। गोल्ड की भी आती है, आपको जिस कंपनी के लिए आप उस कंपनी की ले सकते हैं। और इसको फेंटना है क्रीम को लेके, और
और उसके बाद आप इसको यूज, और इस तरीके से यह ये देखिए इस तरीके से हम साफ कर लेंगे, एक क्लिप प्लेन कर लेंगे ये। तो इस तरीके से आप लोग ट्विन बन केक रेडी कर सकते हैं, और अब इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे। जेल लिया हमने, जो जेल लिया हमने इसमें जेल हमने ये जेल है, ये जेल का डिब्बा, और इस तरीके से आप लोग जेल का डिब्बा ले सकते हैं। ये देखिए इस कंपनी की, जिस कंपनी की आपको मिल जाए उस कंपनी का ले लीजिए। और हमने जो ली है 30 से 40 ग्राम जेल, और इसमें थोड़ा सा येलो कलर मिलाया हमने, जरा सा हमने इसमें चॉकलेट डाला हुआ है, कलर हमारा बहुत अच्छा आ जाए, क्योंकि हम बटर स्कॉच के लिए चढ़ाएंगे। और पानी जो हमने जेल लिया है तो डालना है, और इस तरीके से हम कॉर्न बना लेंगे। और ये जो कॉर्न बनाया हमने बटर पेपर है, बटर पेपर का बनाया हुआ है, और इस तरीके से हम इसको चढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कलर लिया हुआ है, ये इस तरीके से इसको हम फेंट लेंगे। ये देखिए सेम प्रोसीजर है। और पानी, पानी जितना हमने जेल लिया उतनी हमने पानी डाल दिया इसमें, और इस तरीके से इसको हम चढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको, ये देखिए, और इस तरीके से हम लगाएंगे ये जेल। और ये हमारा स्ट्रॉबेरी वाला ये टू इन वन केक जो आप लोगों को बताया मैंने, ये टू इन वन केक है। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, हल्का सा नाइफ से बाद में हम घुमा देंगे। जो हमने कॉर्न बना के दिखाया वैसे हमने कॉर्न बनाया था ये, और ये हमारे टू इन वन केक के लिए स्ट्रॉबेरी और ये बटर स्कॉच, काफी टेस्टी लगता है ये केक। ये देखिए इस तरीके से इसको हम फिनिशिंग कर लेंगे। और चलिए हमारा जो कि हम केक को निकाल बेस के ऊपर, और हमने एक क्रीम ली हम बनाएंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे, हमने ये स्ट्रॉबेरी कलर लिया इसमें, और इस तरीके से हम ये फूल बना लेंगे। ये देखिए और ये हमने फूल को काटा, और इस तरीके से हम केक के ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए देखिए कितना सुंदर अलग दिख रहा हमारा केक, ट्विन बन केक। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और अब हम बनाएंगे दूसरे येलो कलर में फूल, जो कि हमने येलो कलर लिया और क्रीम ली, और इसका हल्का सा मिक्स करेंगे, और फिर वापस देखिए आप लोगों दिखा रहे इस तरीके से काटेंगे।
पान की तरह काटना हमें इसके लिए। ये देखिए जैसे पान का पत्ता होता है, इस तरीके से हम इसको हल्का घुमा के काट लेंगे ये, और इस तरीके से हम ये देखिए इस तरीके से हम लगा लेंगे। ये हल्का व्हाइट पैन में तो क्लियर नहीं दिख रहा, बस ऐसे पत्ते लगाएंगे ये देखिए, और ये हमारा फूल रेडी। स्कोच लगाया ये देखिए, स्कोच लगाया ये देखिए, जो बटर स्कोच चिप्स होती है, बटर स्कोच की चिप्स। और आप लोगों देखना है तो मैंने एक केक बनाया है, उसके अंदर हम ये लिंक जाकर देख लीजिए, हम लिंक दे देंगे कि चिप्स कैसे बनाई हमने बटर स्कोच की। ये और काजू है, शक्कर है, और ये देखिए टू इन वन केक हमारा कितना सुंदर दिख रहा है। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ये गोली वाली हमने शक जो आती है रेडीमेड मिल जाती मार्केट में बढ़िया। और हम पट्टी बनाएंगे उस पे लगाने के लिए, आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए चॉकलेट ली है डबल बॉयलर पे, इसको हमने मेल्ट कर ली थी, जो हमारा चॉकलेट ब्रिक आता है उसका डबल बॉयलर पे मेल्ट करके, और इसको हमने एक बर्तन में हमने पानी रखा गरम करा, और दूसरे में चॉकलेट डाली, थोड़ा सा बटर डाला उसमें, और उसको मेल्ट कर ली चॉकलेट को। और इस तरीके से ये हम पट्टी बना लेंगे, और 2 मिनट में हमारी पट्टी सूख जाएगी। किसी पे अगर हमें नाम लिखना है, कुछ करना है, या इसके हमें कुछ डिजाइन बनाने, तो इस तरीके से, और नीचे जो है, और इस तरीके से इसको हम काट देंगे। ये देखिए नीचे सीट है जो कि कड़क प्लास्टिक होती है वो है, आप थैली पे भी बना सकते हैं, कैरी बैग जैसी थैली होती कड़क दिख रहा है, तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। काफी सिंपल है, 2 इन 1 स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच दोनों फ्लेवर एक साथ मिलेंगे आपके लिए। और इस तरीके से केक आप लोग बना सकते हैं, और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है केक, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और हमारी रेसिपी अगर आप लोग अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक जरूर कर दीजिए। और आप लोग ने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, और आप लोगों में लिंक दे दूंगा जो कि हमने स्पंज डाला है केक का, जो एक्लिस स्पंज की, आप लोगों लिंक मिल जाएगी, जाके चेक कर लीजिएगा। और काफी आइटम हमने डाले हैं तो उसमें उसकी भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, तो जाके चेक कर लीजिएगा। तो इसकी हम आप लोगों लिंक दे देंगे, जो स्पंज वाला है एकले स्पंज की, आप लोगों लिंक मिल जाएगी, जाके चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये सिर्फ